हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और कई सारे संप्रदाय के लोग रहते हैं और भारत के बंधारण के जरिए उन्हें अपने अपने रीत रस्म, परंपरा, त्योहारों को मनाने की स्वतंत्रता दी गई है। पर कुछ हिंदूवादी संगठन है कि इन्हें भारत की यह एकता पसंद नहीं आती। वो अपनी राजनीतिक मंशा को पूरी करने के लिए आए दिन कुछ न कुछ ऐसी बयानबाजी करते रहते हैं जिससे भारत की एकता को तोड़ दी जाए। हाल ही में गुजरात के हिंदूवादी संगठन ने एक बयान जारी किया है कि नवरात्रि के गरबी में मुस्लिम समुदाय को प्रवेश दिया नहीं जाएगा। ऐसे हिंदूवादी संगठन को मुँह तोड़ जवाब दे रहा है भावनगर जिले के नौघण उदर गाँव के मुस्लिम समुदाय। મારી ઉંમર 18 વર્ષની છે અને મેં નવરાત્રી મંડળ આ શરૂ કર્યું, આ સુધી સારું છે, આજ મારી 5 વર્ષની ઉંમર થઈ ગઈ, છતાં હું આની અંદર રમું છું અને ભોગ આપું છું અને ગામનો સાથ સહકાર બહુ સારો છે, કોઈ જાતનો ભેદભાવ વગર અમારામાં કોઈ હિન્દુ મુસલમાનની કોઈ ભેદભાવ છે જ નહીં અને આવું કાંઈ રખાય નહીં, માણસે એવો ખ્યાલ રાખવો પડે કે ભાઈ આ બધું એક જ છે એમ। શેખભાઈ પૈસે છે તો ડ્રાઈવર હૈ પર વો પિછલે 45 સાલો છે નવરાત્રી કે 9 દિન गांव के रंगमंच पर अलग अलग तरह के किरदार करते हैं, बल्कि यूं कह लीजिए कि नवरात्रि भवाई मंडल की स्थापना की नींव है शेख भाई। मारा पिताजी तार के दुने पाताल के दुने पद करवा माटे पाताल ने जत मारा। आज हूं मुसलमान छु, सता माताजी ना अखंड जीवो बाळू छु, कलश स्थापू छु अने वर्षो जी हूं माताजी ना पगले पगले चालू छु। आमा कोई जोई नाबू नहीं छी के રામ ક્યાં છે, રહીમ ક્યાં છે, આ તો માણસો બધું કરે છે। નવરાત્રી મંડળ જે જગ્યાએ ઉજવાય છે, હા, એ જગ્યાનો ઇતિહાસ જરા બતાવો। એ જગ્યાનો ઇતિહાસ લીલાપીર બાપુની સાનિધ્યમાં ઉજવાય છે, આ લીલાપીરની દરગાહ છે અને પાછળ તમને ઓટો છે, ત્યાં નવરાત્રી ઉજવાય છે ને એમાં કોઈ ભેદભાવ જેવી વસ્તુ છે નહીં। ક્યાં હમ એસે ભારત મેં રહેના પસંદ કરેંગે જો વર્ગભેદ, ધર્મભેદ, જ્ઞાતિભેદ કે ટુકડો મેં બટા હુઆ હો, या कि ऐसे भारत में जहां किसी भी प्रकार के भेद ना हो। मैं वीडियो देखने वाले सभी दर्शकों से यह अपेक्षा रखता हूं कि आइए हम सब मिलकर एक ऐसे भारत का निर्माण करें कि कोई हमारी एकता और भाईचारा को तोड़ ना पाए। मैं गुजरात के भावनगर जिले से साजिद, इंडिया अनहर्ड के लिए।